हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियल टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जान खान के करियर के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जान खान ने किन किन सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जान खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में आई फिल्म सत्याग्रह से की थी। फिर साल 2014 में सीरियल झल्ली अंजलि के टूटे दिल की से टीवी की दुनिया में कदम रखा था। इसमें उन्होंने ध्रुव का किरदार निभाया था। इसके बाद जान ने साल 2015 में एमटीवी स्प्लिट्स विला सीजन 8 में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वे सेकंड रनर अप रहे थे। इसके बाद साल 2015 में लाइफ ओके के इंडियन क्राइम डिटेक्टिव सुपर नेचुरल शो हमने ली है शपथ सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस में सुपर कॉप असुमू का किरदार निभाया था। साल 2015 में ही इन्होंने ये है आशिकी में विकी का किरदार निभाया था, जो कि एक एपिसोडिक रोल था। फिर साल 2016 में एक था राजा एक थी रानी में इन्होंने जीवन सिंह का किरदार निभाया था। साल 2016 में ही इन्होंने प्यार तूने क्या किया में एक एपिसोडिक रोल किया था, जिसमें ये एक्ट्रेस सीना बजाज के अपोजिट थे। फिर साल 2017 में फिल्म कॉल फॉर फन में इन्होंने यश की भूमिका निभाई। फिर साल 2018 में स्टार प्लस के सीरियल नामकरण में इन्होंने करण कपूर की भूमिका निभाई। साल 2019 में जान खान बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4 में नज़र आए। साल 2019 में ही इन्होंने जी टीवी के सीरियल हमारी बहू सिल्क में नरेश पारेख का किरदार निभाया था। इस सीरियल में जान लीड रोल में थे। फिर साल 2020 में जान खान म्यूजिक वीडियो इश्कदारी में शिवानी झा के अपोजिट नज़र आए थे। और साल 2021 से जान खान सोनी टीवी के सीरियल क्यों उठे दिल छोड़ आए में रणधीर रायजादा के किरदार में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको जान खान का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।